स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से एक और नई वीडियो में संडे स्पेशल की। तो संडे स्पेशल में आपको पता है कि हम कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करते रहते हैं जो टॉपिक अनसुनी हो अनसुलझी हो, तो टॉपिक के बारे में आप जानने की कोशिश करते हो। तो ऐसे टॉपिक के ऊपर जो है मैं वीडियोस बना के लाता रहता हूँ आप सभी के लिए, नॉलेजफुल वीडियोस बना के लाता रहता हूँ आप सभी के लिए, ताकि मेरी वीडियो से आप सभी को अच्छे से अच्छा मोटिवेशन मिल सके। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा से कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ। आज की वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं कि आपको किस तरह के लोगों के साथ रहना चाहिए, आपको किस तरह के लोगों के साथ चल फिरना चाहिए, घूमना चाहिए, ताकि आपको आगे जाके जिंदगी में तकलीफ ना हो, आपको आगे जाके जिंदगी में अच्छा हो और अच्छे लोग आपको कह सके। अगर आप एक अच्छा नाम कमाना चाहते हो दुनिया में और अगर समाज में जो है आप अच्छा बन के रहना चाहते हो, सच में एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके मेरी इस वीडियो से। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चार ऐसे लोगों के बारे में जो आपके जीवन में तरक्की का कारण भी बन सकते और आपके जीवन में जो है बर्बादी का कारण भी बन सकते। इनमें से दो ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में बर्बादी का कारण बन सकते और इनमें से दो ऐसे लोग भी है जो आपके जीवन में तरक्की का कारण भी बन सकते। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दो ऐसे लोगों के बारे में जो आपके जीवन में बर्बादी का कारण बन सकते हैं। इनमें से एक ऐसा इंसान है जो आपका दोस्त है और दोस्त होने के नातिक भी वो क्या करता है कि आपकी जो दुश्मन है उसकी बुराई आके आपके पास करता है और आपके साथ क्या करता है कि अच्छा बनने की कोशिश करता है, आपकी हमेशा तारीफ करता है। इस इंसान से आप हमेशा दूर रहिएगा। ऐसे इंसान आपको कभी भी तरक्की के रास्ते पे नहीं लेके जाएगा, क्योंकि उसकी जो है बुराई आपके पास आके करेगा, क्या पता कि आपकी बुराई भी जाके उसके पास करता होगा। ऐसे दोस्त से दुश्मन ही अच्छा है। ऐसे दोस्त बनाने से आप दूर रहिएगा, ऐसे दोस्त से आप बिल्कुल दूरी बना के रखिएगा, ताकि आपके जीवन में जो है खुशियाँ आ सके। और दूसरा इंसान वो जिसके साथ आपको कभी नहीं रहना है, वो है झूठ बोलने वाला। जो झूठ बोलता है उसके साथ आपको कभी नहीं रहना है, क्योंकि वो इंसान या तो आपको खुश करने के लिए झूठ बोल रहा है या फिर अपनी गलती छुपाने के लिए आपसे झूठ बोल रहा है। क्योंकि ये जो झूठ बोलने वाले इंसान होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और आपके लिए हानिकारक भी है, ये कैंसर जैसा है, क्योंकि झूठ बोलने वाला बीमारी इंसान से कभी भी नहीं छुपता है। तो कुल मिला के आपको झूठ बोलने वाले इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखना है। और दो ऐसे लोगों के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिनके साथ हमेशा आपको रहना है। एजुकेटेड लोगों के साथ हमेशा आपको रहना है। देखिए, पढ़े लिखे लोगों के साथ आप रहोगे तो आपको उनसे नॉलेज मिलेगा, ऐसा कि नहीं बिना पढ़े लिखे लोगों से आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, मिलता है। बिना पढ़े लिखे लोगों से भी बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के साथ आप रहोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी रेपुटेशन भी बढ़ेगा, उनसे आपको नॉलेज बहुत ज्यादा मिलेगा, कि उनसे जो नॉलेज आपको मिलेगा आप उस नॉलेज को लेके आप अपनी जिंदगी में तरक्की कर सकते हो। और इसके लिए जो है आपको पढ़े लिखे लोगों के साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और अच्छे स्वभाव वाले लोगों के साथ रहना है। सिर्फ पढ़े लिखे लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोगों में से भी अच्छे स्वभाव वाले लोग रहते हैं और बुरे स्वभाव वाले लोग रहते हैं। तो पढ़े लिखे लोगों में जो अच्छे स्वभाव वाले लोग हैं उनके साथ ही आपको रहना है, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान जिससे हम बातचीत करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वह इंसान कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका चल चलन कैसा है। तो हमें जो जैसे पता चलेगा ये आदमी तो एक तो पढ़ा लिखा है और ऊपर से उसका स्वभाव अच्छा है, तो उसके साथ हमें रिलेशन बनाना है, दोस्ती करना है उसके साथ, उसके साथ हमेशा उठना बैठना चलना फिरना करना है, क्योंकि उसके अंदर जो अच्छा गुण है वो हमारे अंदर आ जाएगा। और बुरे आदमी के साथ रहेंगे तो बुरा संगत होगा, बुरा उसके जितने भी गुण है वो हमारे पास आएगा। तो इसके लिए अच्छे और पढ़े लिखे लोगों के साथ हमेशा रहना है, इससे हमारा नॉलेज गेन होगा और हमें आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और दूसरा, आपको उस इंसान के साथ रहना है जो इंसान कभी भी आपको हमेशा याद करता है, बेमतलब याद करता है आपको। अगर कुछ काम लगा और आपको फोन किया उसके बाद आपको फोन नहीं करता है, आपके साथ बातचीत नहीं करता है, ऐसे लोगों के साथ आपको नहीं रहना है। ऐसे लोगों के साथ रहना है जो इंसान बेमतलब आपको याद करता है, बेमतलब आपके साथ बातचीत करता है, वो अपना कीमती वक्त निकाल के आपके साथ बात करता है। काम के समय भी उसको अगर आपका याद आ गया, आपको फोन कर रहा है, भाई किधर है यार, मैं काम पे हूँ, लेकिन फिर भी सोचा तेरा याद आया इसके लिए मैं तुझे कॉल कर दिया, तेरे साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ काम है क्या? नहीं, कुछ काम नहीं है, बस तेरे से बात करना था इसके लिए कॉल
किया हो, ऐसे लोगों को आप कभी भी मत भूलिएगा और ऐसे लोगों के साथ जो है आप रिलेशन रखिएगा, क्योंकि मुसीबत के वक्त जो है ना ऐसे दोस्त बहुत ज्यादा काम में आते हैं। तो आपको मैंने चार ऐसे लोग बताया जिनमें से आपको किन लोगों के साथ रहना है और किन लोगों के साथ नहीं रहना है, ये आपको डिसाइड करना है। और अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।